कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 से पहले लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर वो पूरा का पूरा आ चुका है। तो आपको बता दें पेपर देने से पहले आपको इससे पेपर पूरा रट के जाना है, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर कंप्लीट कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर दिखली समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला, पूर्ण अंक आपका 75 अंक रहेगा। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, ठीक है, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा और साथ ही स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए लाइक तो बनता है, तो जो यहाँ पर लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर दिल्ली सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो पहला था व्यय उत्पादक जिन पर सभी जीवन निर्भर रहते हैं, तो आपका द्वितीय उत्पादक बात है प्राथमिक उत्पादक, और साथ आपका तृतीय उत्पादक दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ व्यय उत्पादक जिन पर सभी जीवन निर्भर रहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका दूसरा आता है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो आपका था गंगा नदी, बात आपका महानदी, और साथ आपका यमुना नदी, और दाता नर्मदा नदी। तो यहाँ पर हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा रहने वाला महानदी। महानदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा आता औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका था मानव विकास, बात आपका US डॉलर, और साथ आपका सीमांत आय, और दाता प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पर औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका चौथा आता प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ, तो आपका था 1992, बात 1994, और साथ आपका 1991, दाता 1996। तो यहाँ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका 1992 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता, ठीक है, तो आप यहाँ पाँचवा देख लीजिए, बालकन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था, तो आपका था डच, और बात आपका इस्लाव, और साथ आपका टामटोल्स, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बालकन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा इस्लाव, ठीक है, इस्लाव कहा जाता था। फिर आपके यहाँ पर छठवां आता है लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, तो आपका आता है राजतंत्र, और बात आपका समानता और भाईचारा, और साथ आपका शासन चलाना, और दाता सत्ता का मौलिक वितरण। तो यहाँ पर लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा समानता और भाईचारा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। अब चलिए स्टूडेंट, जो आपका प्रश्न 2 है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर दिखिए, देखते इस तरह पूर्ति कीजिए, 6 नंबर के आपके आते हैं। तो पहला था सत्ता की साझेदारी डॉट डॉट की आत्मा है, तो यहाँ पर सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर लोकतंत्र हो जाएगा, ठीक है, लोकतंत्र की आत्मा है। फिर आपका आता है छोटा नागपुर क्षेत्र में डॉट डॉट जनजातियाँ निवास करती हैं, तो यहाँ पर छोटा नागपुर क्षेत्र में, ठीक है, 6 जनजा, ठीक है, आपके यहाँ पर इसका आंसर है 6 जनजातियाँ निवास करती हैं, तो 6 आपका आंसर है दूसरे रिक्त स्थान का। फिर आपका तीसरा आता है 100 दिनों की रोजगार योजना डॉट डॉट को कहा जाता है, तो यहाँ पर 100 दिनों की रोजगार योजना, ठीक है, मनरेगा को कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका मनरेगा हो जाएगा, ठीक है, मनरेगा आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आपका आता चौथा डॉट डॉट दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो इसका आंसर है, ठीक है, भारत, इसका आंसर आपका भारत हो जाएगा, ठीक है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। फिर आपका पांचवा आता विश्व की सर्वाधिक वर्षा डॉट डॉट में होती है, तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा आपकी होती है मौसम राम में, ठीक है, मौसम राम, इसका आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर आपका छठवां आता मानव विकास रिपोर्ट डॉट डॉट संस्था जारी करती है, तो मानव विकास की रिपोर्ट UNDP संस्था जारी करती है, ठीक है, UNDP, ठीक है, UNDP संस्था जारी करती है, आपका आंसर रहने वाला है। तो जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं, पहले का आंसर आपका लोकतंत्र, दूसरे का आंसर आपका 6, और तीसरे का आंसर आपका मनरेगा, चौथे का आंसर आपका भारत, और पाँचवें का आंसर आपका मौसम राम, और छठवें का आंसर आपका UNDP, ठीक है। इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 आता है आपके सही जोड़ी बनाइए, 6 नंबर की आती है, स्तंभ आओ बा में दिए सही जोड़ी। तो पहली आती है आपकी सबसे कम साक्षरता या राज्य, तो इसको आपको बिहार से मैच करना है। फिर आपकी दूसरी आती है एकात्मक शासन व्यवस्था, तो इसको आपको श्रीलंका से मैच करना है। फिर आपकी तीसरी आती है ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स को आपको बेल्जियम से मैच करना है। फिर जो आपकी चौथी आती है रोलेक्ट एक्ट, तो इसको आपको 1919 से मैच करना है। और पांचवी आती है आपकी यंग यूरोप, ठीक है, तो पांचवी यंग यूरोप को मैच करना है आपका 1833 से। और जो आपकी यहाँ पर छठवीं आती है टिहरी बांध,
तो इसको आपको उत्तराखंड से मैच करना है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी, ठीक है। और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न हम यहाँ पर चार देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका यहाँ पर चार आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए आपके छः नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव, ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला आपका यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 19 दिसंबर आपका इसका आंसर रहेगा 19 दिसंबर 1929, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 19 दिसंबर 1929 को प्रस्ताव, ठीक है, पारित हुआ था। यहाँ आपका था लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो यहाँ पर ठीक है लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका आंसर रहेगा जनता के प्रति। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा आता है, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसका आंसर आपका प्रच्छन्न हो जाएगा ये। फिर आपका आता है टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो यहाँ पर टिहरी में किसानों द्वारा बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। और साथ ही स्टूडेंट यहाँ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। फिर आपका पाँचवा आता आधुनिक भारत का मंदिर बांधु को किसने कहा था, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका इसका आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। और जो आपके यहाँ पर आता है रोलेट एक्ट का पारित हुआ, तो इसका आंसर रहेगा आपका 18 मार्च, ठीक है, 1919 आपके यहाँ पर रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 में पारित हुआ था। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य में होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न आपका पांच आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए छः नंबर के आते हैं। तो पहला था भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर जो आपका आता है भारत मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल भोपाल में है, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। फिर स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर आता है नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ, तो आपका यह सत्य रहने वाला है। फिर आपका आता है सत्ता की साझाई लोकतंत्र के लिए लाभप्रद है, तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से याद करते जाइए। फिर आपका पांचवा था श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति 2009 में हुई, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका छठवां था मानव विकास सूचकांक को HDI कहते हैं, तो यह भी आपका सत्य रहने वाला है। तो इस तरह से जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो पूरे कंप्लीट करा दिए, ठीक है, आपने पूरे ऑब्जेक्ट अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका छः आता है मृदा संरक्षण के कोई दो उपाय लिखिए, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ए राय आपके मृदा संरक्षण के उपाय, ठीक है, ढलान कृषि को प्रोत्साहित करना और पानी के बहाव को रोकना और सघन वृक्षारोपण करना जिससे वायु का प्रवाह कम हो और अतिचरण को नियंत्रित करना, ठीक है, इस तरह से आपके मृदा संरक्षण के उपाय हो जाते हैं। तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। फिर जो आपका आता है यहाँ पर इसका अथवा जरूर मृदा की कोई दो विशेषताएं लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है, हम दोनों में से आपका एक का आंसर कराएंगे, ठीक है, जो आपको ऊपर का क्वेश्चन साथ ही जो अथवा का, तो दोनों में से हम आपका एक का आंसर कराने वाले हैं, क्योंकि अगर हम दोनों का आंसर कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको एक का आंसर कराएंगे। फिर आपका आता है मृदा निम्नीकरण से क्या आशा है, तो जो इसका आंसर वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है मृदा निम्नीकरण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या जिसे समाप्त करना जैविक समुदाय के हितों के संरक्षण हेतु आवश्यक है, समष्टिगत प्रयासों के साथ साथ व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा इस चुनौती से निपटने के प्रयास करने होंगे, इसे ही मृदा निम्नीकरण कहते हैं, ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। तो आपका इस सातवां क्वेश्चन का आंसर हमने करा दिया है। फिर जो इसका अथवा था राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। फिर आपका था विचारधारा का आशा समझाइए, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, विचारधारा का सामान्य कार्य सैनिक सामाजिक संबंधों एवं वर्ग प्रवृत्ति के द्वारा सामाजिक संबद्धता को बना रखना है, इस प्रकार विचारधारा सामान्य तौर पर चेतना का एक भ्रमिक रूप है, सामाजिक चेतना के अंग के रूप में विचारधारा सामान्य रूप से सामाजिक संरचना में प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है, इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। जो आपका यहाँ पर आता है इसका अर्थवा उदारवाद का अर्थ बताइए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता बहिष्कार शब्द का अर्थ क्या है, तो जो इसका आंसर वो आप यहाँ पर देख लीजिए, बहिष्कार का अर्थ है किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, गतिविधियों में हिस्सेदारी से स्वयं को अलग रखना तथा उसकी चीज़ों को खरीदने तथा इस्तेमाल करने से इनकार करना, ठीक है, आपका बहिष्कार शब्द का अर्थ हो जाता है।
फिर जो आपके यहाँ पर आता है इसका अथवा जलीय वाला बाघ हत्याकांड कब और कहाँ हुआ, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख ली, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों में शामिल देश ये रहे, ठीक है, आपकी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, और आप यहाँ पर देख ली बुल्गारिया, ओटोमन और साम्राज्य, ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर हो जाता तो इसक्रीन शॉट आप ले सकते हैं। फिर जो आपके यहाँ पर आता है इसका अथवा, ठीक है, 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम थी, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गया यहाँ पर, ठीक है, आपका यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में आप तो आपका ये तो हो गया, और जो इसका अथवा, अथवा का आंसर आपको खुद करना। फिर आपका श्रीलंका की सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है, तो इसका आंसर देख लीजिए, श्रीलंका में सरकार की नीतियों का उद्देश्य सिनेली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व सुनिश्चित करना था। श्रीलंका में तमिलों ने अपनी संस्कृति, भाषा की रक्षा और शिक्षा एवं नौकरियों में अवसर की समानता के लिए सत्ता की साझेदारी की संघीय व्यवस्था की मांग की। ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, आप यहाँ पर इसका अर्थ हुआ था गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका बर्मा था मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर आप यहां पर देख लीजिए, मनरेगा योजना एक ऐसी योजना है जो 100 दिन रोजगार, ठीक है, रोजगार की गारंटी देती है, जिस कारण इसे 100 दिन रोजगार योजना कहते हैं। देश के करीब और ठीक है सॉरी देश के गरीब और बेरोजगार परिवार अपनी आजीविका के लिए इससे योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे कमजोर आय वर्ग के लोगों को उनके ही ग्राम पंचायत में रोजगार दिया जाता है, इससे पलायन की समस्या को भी काफ़ी हद तक, ठीक है, रुका जा सकता है। ये आपके यहाँ पर मनरेगा योजना हो जाती है, तो आपको यहाँ पर अच्छी ऐसे हाथ कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा आता है सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है जीवन प्रत्याशा क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन के बाकी समय में औसतन कितने साल और जीवित रह सकता है, या किसी व्यक्ति के जन्म के साल, लिंग और, ठीक है, अन्य जनसांख्यिकी कारकों पर आधारित होता है। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर सामान्य माप माना जाता है, यहाँ तक पूरे आपको याद कर लेना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जीवन प्रत्याशा की परिभाषा हो जाती है। इसका अथवा आता है मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है, तो इसका जो आंसर है वो आपको खुद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 14वां तो मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं, ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। आपका 14वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया, तो इसका जो आंसर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 14वां प्रश्न का आंसर, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा दिया 14वां प्रश्न का आंसर, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर है आधुनिक मुद्रा के कई रूप हैं जिनमें ये शामिल हैं, कागज के नोट, सिक्के, प्लास्टिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा, ठीक है, इस तरह से पूरा आपको सिक्के जारी करता है, पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। ये आपका 14वां प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 15वां प्रश्न आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, 15वां प्रश्न आप आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए, तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहने वाला स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार, प्लॉट, घर, दुकान, कार आदि सामुदायिक संसाधन, वे संसाधन जो समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, ठीक है, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण हो जाएगा आपका पिकनिक स्थल, पार्क, मंदिर, सामुदायिक हॉल आदि। ये आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, आपका यहाँ पर 15वें प्रश्न का आंसर। और 15वें का अथवा था भारत में संसाधनों की संरक्षण की दो पार लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका अथवा यानी 16वां प्रश्न आता है मृदा का लवणीकरण से क्या आशा है, तो जो इसका आंसर है वो आपका जो यहाँ पर इसका अथवा आता नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 16वें का अथवा का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा नाटो का मुख्यालय, ठीक है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, और नाटो सेंस मुख्यालय मॉन्स बेल्जियम के पास है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है 16वें का अथवा का आंसर हमें करा दिया है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 17वां लोकतंत्र की एक परिभाषा दीजिए, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वेच्छा से करती है। लोकतंत्र में जनता के पास कुछ अधिकार और शक्ति होती है और वे अपनी सरकार की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेती है। लोकतंत्र की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, ये आपके यहाँ पर लोकतंत्र की परिभाषा हो जाती है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा आता है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता 18वां प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा प्राथमिक क्षेत्र में एक गतिविधि शामिल है कृषि, वानिकी, खनन, मछली पकड़ना, उत्खनन और शिकार करना, जलीय कृषि, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। फिर जो इसका अथवा आता है छिपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए हमारे जीवन की बहुत सी गतिविधियों में ऐसे बहुत से सौदे होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होती है। ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहाँ
उधारदाता कर्जदार को धन वस्तुएं या सेवाएं ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए मुहैया कराता है और बदले में कर्जदार से भुगतान करने का वादा ठीक है वादा लेता है। इस तरह से पूरा आपको भूमिका अदा करता है, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है इसका अथवा हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था पारिस्थितिक तंत्र क्या बन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर आंसर दिया गया ठीक है ठीक है। भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या ठीक है पारितंत्र कहते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ तक पूरा आपको याद कर लेना ठीक है। इसका जो स्क्रीन शॉट है वो आप ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आता है यहाँ पर ठीक है इसका अथवा था जैव व्यवस्था को प्रभावित करने वाली कोई तीन कारक लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका कैसे मारा था आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई और यह संकट कब तक बना रहा, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका बाईस मारा था सविनय अवज्ञा आंदोलन की चरणबद्ध व्याख्या कीजिए, इसका अथवा था भारत छोड़ आंदोलन की व्याख्या कीजिए। फिर आपका तेईसवां प्रश्न देख लीजिए ठीक है, तो जो आपके 21वां 22वां 23वां प्रश्न है इनका आंसर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है तो ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पेपर का सॉल्यूशन और पीडीएफ मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिले, थैंक्स फॉर वॉचिंग।